हेलो एवरीवन, वेलकम टू FF इजीएस्ट क्लासेस। फर्स्ट चैप्टर इज द सेंटेंस। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। इस चैप्टर में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वी यूज वर्ड्स व्हेन वी स्पीक और राइट, बट दीज वर्ड्स हैव टू बी पुट इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर टू कन्वे सेंस कम्प्लीटली। हम बोलने या लिखने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जब हम शब्दों को सही यानी कि पार्टिकुलर ऑर्डर में नहीं रखते तो वो सेंटेंस कम्प्लीट नहीं होगा। लेकिन वही हम पार्टिकुलर ऑर्डर में रखते हैं, सही ढंग से रखते हैं, तो उसका पूरा मतलब समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पे शब्दों का समूह दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, ये पिक्चर्स देखिए और इसके बाद ये समूह को पढ़िए। इन ईस्ट राइजेस द सन, द, ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। मैन एंड ही इज ओल्ड, स्मेल्स द स्वीट रोज, इज ब्रेव राजन, सोल्जर ए, लाइक्स जैक, ईट फ्रूट्स टू। ये जो आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये वर्ड्स तो शब्दों के समूह दिए गए हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता। नेक्स्ट ये पढ़िए, यू सी दैट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक सेंस। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि पूरा मतलब आपको ये शब्दों के समूह से नहीं आ रहा। The same words in each group have been rewritten below. Now read them. यहाँ पे same चीज़ इसी को यहाँ पे फिर से rewrite किया गया है, फिर से लिखा गया है, तो ये आप पढ़िए। The sun rises in the east. ये क्या है, एक सही form में रखा गया, सही series में रखी गई है, particular order में रखी गई है, जिससे कि ये clear है कि the sun rises in the east. He is an old man. The rose smells sweet. इसका क्या है मतलब क्लियर निकल रहा है कि सूरज ईस्ट में उगते हैं, और he is an old man, वह एक बूढ़ा आदमी है। The rose smells sweet. इस तरह से आपको ये completely meaning दे रहा है। Rajan is brave soldier. Jack likes to eat fruit. You see that now these groups of words in each case make sense, so they can be called sentences. यहाँ पे जो अभी हमने sentences पढ़ा, इसका पूरा पूरा मतलब समझ में आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, sentence कह सकते हैं। Sentence की definition होती है a group of words that makes a complete sense is called a sentence. यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा का पूरा मतलब स्पष्ट हो, पूरा का पूरा मतलब समझ में आए, उसे हम वाक्य कहते हैं। रिमेंबर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट अ सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट थिंग्स दिए गए हैं जो आपको याद करना है, अपने दिमाग में रखना है। ईच सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस है, सारे सेंटेंसेस जो है कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। ईच सेंटेंस मस्ट एंड विद अ फुल स्टॉप, और आपके जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म होगा, क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन साइन होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट फिर से एक बार मैं इसे समझा देती हूँ। सेंटेंस वो होता है जिसका पूरा मतलब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। अब एक हिंदी वाक्य ले लेते हैं। अगर ये कहा जाए कि घर जाता है राम, तो ये स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा। उसी को जब हम एक सही क्रम में रख के करते हैं, राम घर जाता है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, सिस्टम होता है सेंटेंसेस को, वर्ड्स को सही ढंग से रखने का, प्रॉपर वे में रखने का। तो ये आपको सेंटेंस की डेफिनेशन लर्न करनी है, और ये टू थिंग्स जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है ये आपको लर्न करनी है। ये आप लोग जो नोट्स बनाएंगे उसमें आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ये
और ये चीज, ठीक है। एक एग्जांपल्स आप लोग समझा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको करना है, तो एक्सरसाइज में आपको एक बार समझा देती हूँ। अरेंज द वर्ड्स इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर सो दैट दे बिकम सेंटेंसेस। ये जो आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं एक प्रॉपर वे में नहीं रखा गया है, इधर उधर करके रखा गया है, तो आपको इसको क्या करना है, सही ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में करके और सेंटेंस बनाने हैं। टोटल 10 सेंटेंसेस है। ये आप लोग को वर्क करना है।